सिलेंड्रिकल पार्ट है और कुछ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर है। टोटल हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अगर आप देखें रेडियस कितना है, अगर आप इसका रेडियस डाय, हालांकि कितना क्या गिवन है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर बोलिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके सो अभी आपको क्या बताना है, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया, क्योंकि ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, और सेम रेडियस सिलेंडर का भी हो जाएगा। अच्छा इसका ये 7 रेडियस है, तो यहां से यहां तक भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, यहां से यहां 7 सेंटीमीटर होगा। टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो 7 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है भाई। अच्छा सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। इसका क्या होता है 2πR² कॉमन ले सकते हैं, 2πR कॉमन हो जाएगा, H+R। ठीक, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है, और R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, H की वैल्यू कितना हो गया 6, और R की वैल्यू 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 × 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 × 4 = 52, 5 कैरी किया, 13 × 4 = 52 + 5 = 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ वेसल।